तो उनके लिए कहना है कि मक्का मदीना जाना आना फिर जाना कोई कमाल नहीं, अर्शी पे जाके वापस आओ फिर कहना अपने जैसा। लेकिन हिंदुस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान को सबसे जो जरूरी क्या चाहिए, हिंदुस्तान को एकता की जरूरत है। हम लोग एकता में रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है दुनिया में, सब हो सकता है एकता में। तो क्या कहना है कि तोड़े कोई ये फूल तो गुलदान रो पड़े, और उसके साथ साथ ये संतान रो पड़े, ऐसे फसा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। लेकिन जरूरत सजदा करवाते इबादत कौन करता है? अरे क्या हुआ तेरे माथे पर है ये सजदों के निशान, कोई ऐसा सजदा भी कर जो जमीन पे निशान छोड़ जाए। लेकिन समय की एक तमाचे की देर है प्यारे, मेरी फकीरी भी क्या और तेरी बादशाही भी क्या, जब खलास हो जाएगा। अमाल से ही पहचान होती है इंसानों की, महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, किसी को नाचिस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पानी कितना ही गंदा क्यों ना हो आग बुझाने के काम आते हैं, आग बुझाने के काम आते हैं। लेकिन क्या कहना है, ये कहना है कि कुछ लोग ये कह जाते हैं कि हुसैन तरस गए थे पानी के लिए। मैं कह देना चाहूंगी कि मेरे हुसैन नहीं तरसे थे पानी के लिए, पानी खुद तरस रहा था लबे हुसैन के लिए, पानी खुद तरस रहा था लबे हुसैन के लिए। क्योंकि हक की मिट्टी पलीद हो जाती, अहले बातिल की ईद हो जाती, अगर सर ना देते नबी का भी सर तो सारी दुनिया यजीद हो जाती, सारी दुनिया इजीद हो जाती। लेकिन कुछ लोग कहते यार ये गरीब है इनसे क्या बात करना है, ये तो गरीब, हम लोग अमीर है, हम लोग अमीर के साथ बात करेंगे। लेकिन उनको कहना है कि ना देख के हंसना कभी फुटपाथ के फकीरों को, फिर बताना कि गरीबी किधर से आई है, और किसी के फका कशी में तंज न करना क्योंकि शाहे मदीना के घर से आई है। ये मिट्टी के बर्तन, ये टूटी चटाई, ये कारस से नादान क्या देखता है, गरीबी तो मेरे मोहम्मद के घर में पली थी, तू मेरे घर के सामान क्या देखता है, गरीबी मेरे मोहम्मद के घर में पली थी, तू मेरे घर के सामान क्या देखता है। लेकिन फिर दो को सरे हश्र संभालेंगे मोहम्मद, कमली में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद, उम्मत को जहन्नम से बचा लेंगे मोहम्मद, डालेंगे खुदा और निकालेंगे मोहम्मद। कितनी प्यारी बात कि डालेंगे खुदा और निकालेंगे मोहम्मद। लेकिन हमारे हुजूर क्या है कि हूबहु शक्ल में इंसान नजर आते हैं, वो सादे कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं, कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर, हमारे सरकार तो चटाई पर भी सुल्तान नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह रसूल के बीच कुछ गहरी बात के, लबों पे तबस्सुम निगाहों में बिजली, कयामत कहीं से चली आ रही है, खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, मेरे दिल की दुनिया लुटी जा रही है, मेरे दिल की दुनिया लुटी जा रही है। क्योंकि गए पर्दे में जब शाही अरब तो सर नजर आया, अरब का ऐन का पर्दा हटा तो रब नजर आया, क्योंकि बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दजाबे जमाल ही हसनत जमी वो खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि, चाहती उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। ये इंतखाब कोई मामूली इंतखाब नहीं, कसम खुदा की खुदा भी यही कह रहा है, ऐ नबी मेरा जवाब तो तू है पर तेरा कोई जवाब नहीं, मेरा जवाब तो तू है पर तेरा कोई जवाब नहीं। लेकिन दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, किसी की नहीं चलती नसीबों के सामने। अरे हये अल्लाह सलाह का कुछ तो ख्याल करो, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने। लेकिन कौन किसी के दुख के लिए रो